तो बच्चों आज हम आपको हरप्रसाद बच्चन के द्वारा लिखित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसके बारे में आज हम पढ़ाएंगे आपको। बच्चों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कवि हरप्रसाद बच्चन का जीवन हमेशा साहित्य के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अपने जीवन में काव्य साधना को अपने जीवन का आधार बनाया। उनका हम जीवन परिचय देखते हैं। जन्म सन 1907 में हुआ, मृत्यु 18 जनवरी 2003 को। जन्म स्थान प्रयाग उत्तर प्रदेश, जिसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, इस समय स्थान उसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मध कलश, मधशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, सतरंगिनी, मिलनयामिनी, अकुल अंदर, बुद्ध और नचघर, प्रणय पत्रिका, आरती और अंगारा, आत्मकथा, क्या भूलू क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर पसेरे से दूर, 10 द्वार से शोकान तक, प्रवास की डायरी। अगले उसमें कवि आप देखिए, इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है विषय प्रवेश कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं, पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर जाती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल पड़ गए हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही होता है। कवि हमेशा जीवन में चंचलता और आतुरता को प्रकट करता है। कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं कि इस कविता में कठिन शब्द क्या है। प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा, इच्छा, नीड माने घोषणा होता है, चंचलता माने तीव्र तेजी, विकल माने व्याकुलता, हित के वास्ते, शिथिल माने ढीला और उर माने हृदय, विवलता भाव, आतुरता, उमड़ना, विवलता का मतलब होता है आतुरता या उमड़ना, हो न जाए पथ में रात कहीं, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिल का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जिस प्रकार से हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिल का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहा है जिस प्रकार से पथिक जो होता है वह निरंतर इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है कि हम नियत समय में अपने यात्रा को पूरा कर लें, मंजिल अपनी पूरी हो जाए, कहीं रात न हो जाए, कहीं हम अपना यात्रा पूरा न कर सके, यह सोच थका दिल का पंथी, कितना भी थका हो, हारा हो, परेशान हो, हैरान हो, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने की जो चंचलता होती है अपनी यात्रा पूरा करने के लिए होती है, जो जल्दी जल्दी चलता है। कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, बहुत तेज चलता है। जब मंजिल आपकी नजदीक होती है तो आपकी गति जो है तेज हो जाती है कि अब मंजिल पास आने वाली है, वो अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है, वो अपने जो उसके प्रियजन है, उसके बच्चे हैं, माँ है, पिता है, पत्नी है, उसके पास पहुंचना चाहता है। कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि रात हो जाए, मैं अपनी यात्रा को पूरा न कर सकूं, इसलिए वो अपने से मिलने की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है, बहुत तेज चलता है। तत्परता, उत्कंठा, इच्छा लक्ष्य को पाने की, मिलने की आवश्यकता के कारण उससे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
जल्दी जल्दी में पुलुत प्रकाश का अलंकार काव्य सौंदर्य आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी में पुलुतों की दो एक शब्द जब दो बार उसका पुनरावलोकन होता है, दो बार हम जो बोलते हैं तो उसमें पुलुत प्रकाश अलंकार होता है, जो शब्द में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है उस शब्द की गंभीरता बढ़ जाती है। कविता में सरल प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, कविता की भाषा सरल सहज और भावानुकूल है, कविता के इस पद में शांत रस है, क्योंकि कवि की भावना क्या है कि लक्ष्य को पाने की, जैसे आत्मा जो है परमात्मा मिलने के लिए आतुर रहती है, विकल रहती है, वैसे व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए विकल होता है, शांत रस है। कवि ने पथ और आगे के माध्यम से जीवन और उसके सत्य को प्रकट किया है। इस प्रकार से आज का ये कविता समाप्त हुई। धन्यवाद।